फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वन प्लस नोट 3 5G फ़ोन है, तो वन प्लस नोट 3 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने वन प्लस फ़ोन में आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन में, और कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर अपने फ़ोन में स्टोरेज को कैसे खाली कर सकते हैं और कैसे क्लीन कर सकते हैं अपने वन प्लस नोट 3 5G फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन स्टोरेज कैसे खाली कर सकते हैं और आप कैसे क्लीन कर सकते हैं अपने वन प्लस फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही बेल आइकन ओपन हो जाएंगे जिस पर जाकर अपने फ़ोन का जो भी स्टोरेज है आप उसको क्लीन कर सकते हैं और खाली कर सकते हैं। सिंपली सेटिंग्स पर जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी जिस पर जाकर फ़ोन की जो भी स्टोरेज है क्लीन कर सकते हैं आप, यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे आपके पास ऑप्शन आ जाता है देख सकते हैं स्टोरेज का, तो स्टोरेज पे जाकर क्लीन कर सकते हैं स्टोरेज को। आप कोई भी फाइल्स वगैरह आप इस तरीके से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं जिससे स्टोरेज है आपका खाली हो जाता है। उस पर जाकर इसको परमानेंटली डिलीट करके भी स्टोरेज को खाली कर सकते हैं, इस तरीके से क्लीन कर पाएंगे, स्पेस बना सकते हैं स्टोरेज का। और चाहें तो आप बैक करके देख सकते हैं कि आप जैसे 3 लाइन्स पर जाकर क्लीनिंग ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ से भी क्लीन कर सकते हैं स्टोरेज को और स्टोरेज खाली कर सकते हैं इसके जरिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं कोई भी टेक्स्ट एंड कॉपी डिलीट करना है तो इस तरीके से आप इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा और स्टोरेज खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लीन करके भी स्टोरेज को खाली कर सकते हैं और खाली कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।